अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4 के साथ मैं आपका इंस्ट्रक्टर आतिफ नसीम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले तो जो ईएमएफ का यूनिट था 1 वोल्ट, जो ईएमएफ का ऐसा यूनिट था, उस यूनिट को हमने डिफाइन करना है। तो सबसे पहले 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं। 1 वोल्ट हमने डिस्कस किया था कि ईएमएफ का जो फॉर्मूला है, दैट इज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इससे जो वर्क का यूनिट है दैट इज जाउल्स, और जो चार्ज का यूनिट है दैट इज कूलम। तो ये आपके साथ जाउल्स पर कूलम के इक्वल है। 1 वोल्ट जो है वो जाउल्स पर कूलम के इक्वल है। सो हम कह सकते हैं कि the EMF or voltage of a source is 1 volt if it can do 1 joule of work on 1 coulomb charge। तो अगर एक सोर्स जो है वो 1 coulomb चार्ज पे 1 joule का वर्क कर सके, तो उस सोर्स का ईएमएफ या उस सोर्स का वोल्टेज हम कहेंगे कि वो आपके साथ 1 वोल्ट के इक्वल है। मतलब अगर लेट सपोज आपके साथ एक सर्किट है और इस सर्किट में एक बैटरी लगी हुई है प्लस माइनस, और इस बैटरी की वैल्यू है 1 वोल्ट, तो इसका मतलब ये होगा कि जब इस बैटरी को जब 1 कूलम का चार्ज मिलेगा, तो ये बैटरी उस 1 कूलम के चार्ज पे 1 जाउल का वर्क करेगी और उसे नेगेटिव से पॉजिटिव पे ले आएगी। तो इस पॉइंट पे अगर इसका वोल्टेज 0 वोल्ट होगा, तो इस पॉइंट पे इसका वोल्टेज 1 वोल्ट हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू आपके साथ क्या होगी, 1 जाउल पर कूलम। मतलब इस बैटरी ने उस 1 कूलम चार्ज पे 1 जाउल का वर्क किया होगा, और जब एक बैटरी 1 कूलम चार्ज पे 1 जाउल का वर्क करती है, तो उस बैटरी के ईएमएफ को या उस बैटरी के वोल्टेज को हम कहते हैं कि ये 1 वोल्ट के इक्वल है। सो अगर एक बैटरी की वोल्टेज हमारे साथ 10 वोल्ट्स हो, तो इसका मतलब दैट बैटरी इज कैपेबल ऑफ डूइंग 10 जाउल्स वर्क ऑन 1 कूलम, ठीक है। और अगर एक बैटरी की वोल्टेज आपके साथ 100 वोल्ट्स हो, सो इसका मतलब ये है कि दैट बैटरी इज कैपेबल ऑफ डूइंग 100 जाउल्स ऑफ वर्क ऑन ईच 1 कूलम चार्ज, ठीक है। तो इससे आप बैटरी की कैपेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं इस वोल्टेज की वैल्यू से। मतलब इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि आपको ये पता चल जाता है कि बैटरी जो है वो किसी चार्ज पर कितना वर्क कर सकती है, ठीक है। इसके बाद हमने ये बात डिस्कस करनी है कि ये जो चार्ज है ये बैटरी की वजह से ये सर्किट में क्यों मूव करता है, व्हाई अ चार्ज मूव्स इन अ सर्किट। ड्यू टू बैटरी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लेट सपोज हम जो है वो एक लोड ले लेते हैं, और इस लोड से कनेक्टिंग वायर्स निकले हैं, और ये एक बैटरी के साथ कनेक्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अभी इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करें कि लेट सपोज थोड़ा सा आप ग्रेविटेशनल फील्ड में ये बात अंडरस्टैंड करें
कि ये मार्कर लेट सपोज अभी ये अर्थ के सरफेस पे पड़ा है, तो जब ये मार्कर आपके साथ अर्थ के सरफेस पे पड़ा हो तो उस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो होगी, लेकिन अगर हम इस मार्कर को थोड़ा सा रेज कर लें तो इसका मतलब मैंने इसको ग्राउंड के लिहाज से कुछ पोटेंशियल एनर्जी दे दी, तो फिर इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो नहीं होगी, वो आपके साथ कितनी होगी, MGH होगी। तो एक्चुअली मैं क्या करता हूं कि मैं इस मार्कर को पोटेंशियल एनर्जी दे के मैं इस मार्कर को रिलीज कर देता हूं, तो ये वापस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। मैं वापस मार्कर को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक ले आता हूं और फिर इसे रिलीज कर देता हूं, ये मार्कर वापस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, और मैं इसे वापस ऊपर ले आता हूं फिर रिलीज कर लेता हूं, ये मार्कर वापस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो इस एग्जाम्पल को डिस्कस करने का मकसद ये है कि ये जो मैं मार्कर को अपवर्ड मोशन दे रहा हूं, तो आप कंसिडर करें कि मैं असल में बैटरी हूं, मैं इस बॉडी को जिसका मास m है मैं इसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक ले जा रहा हूं, और सर्किट में ये बॉडी वापस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रही है। ठीक है, तो एक्चुअली देखे क्या होता है, अगर हम कन्वेक्शनल करंट डिस्कस करते हैं, अगर हम पॉजिटिव करंट डिस्कस करते हैं, तो जब आपके साथ 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज जिसके लिए नेगेटिव जो है, पॉजिटिव चार्ज के लिए नेगेटिव क्या है, लो पोटेंशियल है, और पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव जो है वो हाई पोटेंशियल है, तो ये बैटरी क्या काम करेगा कि ये इस 1 कूलम ऑफ चार्ज को इस लो पोटेंशियल से शिफ्ट कर देगा हाई पोटेंशियल पर। अभी ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये खुद पॉजिटिव की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव तो असल में रिपेल करते हैं, तो बैटरी जब इस चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक मूव करेगा तो ये इस चार्ज पर कुछ वर्क करेगा, ये बैटरी इस 1 कूलम चार्ज पर क्या करेगा, वर्क करेगा। वो वर्क हमें पता चलेगा कि इस बैटरी का वोल्टेज कितना है, अगर इस बैटरी का वोल्टेज लेट सपोज 13 वोल्ट्स है, तो इसका मतलब ये है कि ये बैटरी जो है ये इस 1 कूलम चार्ज पर कितना वर्क करेगा, 13 जूल्स का वर्क करेगा। तो इस नेगेटिव पर, इस नेगेटिव पॉइंट पर इस 1 कूलम चार्ज की जो ईएमएफ होगी या इसका जो वोल्टेज होगा वो जीरो होगा, लेकिन जैसे ही ये 1 कूलम चार्ज यहां पर इस पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंच जाएगा तो इस पॉइंट पे इसका जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा, वो आपके साथ होगा 13 वोल्ट्स। ठीक है, तो 13 वोल्ट्स का मतलब ये है कि ये जो 1 कूलम ऑफ चार्ज यहां तक पहुंच गया है, इस 1 कूलम ऑफ चार्ज के साथ कितनी एनर्जी होगी, 13 जूल्स की एनर्जी होगी। तो बैटरी ने असल में क्या किया, बैटरी ने इस चार्ज को एनर्जी दी और इसको लो पोटेंशियल से शिफ्ट कर दिया हाई पोटेंशियल पर। अभी ये चार्ज क्या करेगा कि ये इसी एनर्जी को यूज करते हुए वापस इस हाई पोटेंशियल से वापस आएगा लो पोटेंशियल की तरफ, और बैटरी फिर उस 1 कूलम ऑफ चार्ज पे वर्क करेगी और उसे वापस लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक शिफ्ट कर देगी, और वो चार्ज फिर वही एनर्जी यूज करता हुआ वापस लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल से वापस लो पोटेंशियल की तरफ आ जाएगा। तो ये असल में वही प्रोसेस है कि हम मार्कर को हाई पोटेंशियल तक मूव करते हैं, मार्कर वापस लो पोटेंशियल पे जाता है, हम उसे वापस हाई पोटेंशियल पे मूव करते हैं, मार्कर वापस लो पोटेंशियल पे जाता है। तो बैटरी यही काम कर रही होती है, वो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करती है
उस पर वर्क करके और चार्ज वही पोटेंशियल एनर्जी दोबारा यूज करता है और वो सर्किट में वापस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आ जाता है और बैटरी वापस उस पर वर्क करती है। तो बैटरी असल में चार्ज का पोटेंशियल राइज करती है और सर्किट जो है वो चार्ज का पोटेंशियल वापस ड्रॉप कर देती है और बैटरी वापस उसका पोटेंशियल राइज करती है, वो सर्किट फिर उसका पोटेंशियल ड्रॉप कर देती है। और ये बैटरी ये वर्क क्यों कर रही है? ये बैटरी ये वर्क इसलिए कर रही है क्योंकि इस बैटरी के अंदर एक एनर्जी सोर्स मौजूद है। जिस तरह हमने अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में हमने सोर्सेज ऑफ ईएमएफ जो है वो हमने डिस्कस किए थे और उस सोर्सेज ऑफ ईएमएफ ने हमने कहा था कि हमारे साथ जितने भी सोर्सेज ऑफ ईएमएफ है उसमें एक एनर्जी सोर्स मौजूद होता है और वो उसी एनर्जी को यूज करते हुए चार्ज पर वर्क करती है और वो वर्क फिर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे सामने आता है। तो ये बैटरी जो है, जो ये बैटरी आपके साथ ये वर्क कर रही है, ये इसलिए कर रही है क्योंकि इस बैटरी में कुछ केमिकल एनर्जी स्टोर है और वो अपनी केमिकल एनर्जी को यूज करते हुए इस वन कूलम ऑफ चार्ज पर 13 जाउल्स का वर्क जो है वो कर रही है। तो ये रीजन है कि क्यों चार्ज किसी बैटरी या सोर्स ऑफ ईएमएफ की वजह से सर्किट में मूव करता है, क्योंकि बैटरी उस चार्ज पर वर्क करती है, उसे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर पहुंचा देती है और वो चार्ज जो है सर्किट में वापस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाना शुरू कर देता है। और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जब तक बैटरी के अंदर वो केमिकल एनर्जी मौजूद होगी बैटरी इसी चार्ज पर उतना ही वर्क करता रहेगा और चार्ज में सर्किट में एक कांस्टेंट करंट जो है वो मेंटेन रहेगी और जैसे ही बैटरी की ये केमिकल एनर्जी खत्म हो जाएगी तो बैटरी पर चार्ज पर वो वर्क नहीं कर पाएगा और आहिस्ता आहिस्ता जो चार्ज इन मोशन है उसमें भी डिक्रीज आना शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर बाद सर्किट में जो करंट है वो जीरो तक पहुंच जाएगा। तो उस टाइम हमारी बैटरी जो है वो एक्सपायर हो गई होगी, फिर हम न्यू बैटरी लगाकर वही प्रोसेस दोबारा स्टार्ट करवा सकते हैं। इस लेक्चर के लिए इसको यहीं पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसे हम थोड़ा सा और भी एलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।